हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है टेक बिलाव में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ फेसबुक क्रिएटर ऐप। तो जी हां दोस्तों, फेसबुक क्रिएटर का जो ऐप आ चुका है, अब क्रिएटर्स मतलब जैसे लोग यूट्यूब में वीडियो बना के डालते हैं, वैसे ही आप समझ लीजिए कि फेसबुक में भी वीडियो बना के आप डाल सकते हैं और उससे आप जो है अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो उसमें कैसे पैसा कमाएंगे वो सारा कुछ जो है, और कैसे इस ऐप को यूज़ करेंगे और कैसे इसमें वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कैसे इसके अंदर में जो है वीडियो आप डालते हैं उसमें कितने व्यूज़ हुए, क्या हुआ, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमने आपको ये लिंक दे दी है, और इसको अगर आप जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो भाई यहाँ पे आपका क्रिएटर नाम से आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के यूपीआई है, तो गेट स्टार्टेड पे कर दीजिए क्लिक। करने के बाद में आपको जो है वहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालनी है फेसबुक की ही। आपको पहले मैं बता दूं कि अगर आपने फेसबुक में अभी तक कोई भी पेजेस नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले आप फेसबुक में पेजेस को क्रिएट कर लीजिए। पेज को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फेसबुक पेज बनाते हैं, इसका भी डिंग मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है आपको ये ऐप के अंदर में लॉगिन करना है। सर पे मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ। आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है, और लॉगिन पे क्लिक होने करने के बाद में आपके जितने भी अभी तक के फेसबुक पेज बनाए हुए हैं, मतलब फेसबुक पेज होना कंपलसरी है, अगर फेसबुक पेज नहीं बनाए हैं तो जाके बना लीजिए। इसके बाद में वो उनकी लिस्ट बता देगा कि भाई इसमें से कौन से पेज में आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं और उसके अंदर में ये काम करना चाहते हैं। तो जैसे मेरा टेकविला चैनल है और टेकविला ही नाम से मैं फेसबुक मेरा पेज क्रिएटेड है, उसी को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। इसके बाद में एक्सप्लोर फेसबुक क्रिएटर यहाँ पर जो है इसको आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में ये आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा कि भाई देखिए पेज फॉलोअर्स जो हैं आपके एक महीने के अंदर में कितने बड़े हैं, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाएगा एक मंथ के अंदर में, और वीडियो व्यूज़ कितने हैं। तो अभी फ़िलहाल 0-0 क्योंकि मैंने इस पे काम ही नहीं किया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे, और इसके अलावा आपको अपने खुद के पोस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ से आपको कंटेंट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर में वीडियो डालें, तो वीडियो डालने के लिए यहाँ पे देखेंगे नीचे साइड में प्लस का निशान बनूंगा, प्लस के निशान पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में आपके इसमें वैसे ही ओपन हो जाता है जैसे कि फेसबुक में हम पोस्ट करते हैं कोई भी वीडियो, तो जो भी वीडियो आप यहाँ पर डालेंगे वो आपके पेज में डाला जाएगा, और यहाँ से आपको फोटो पे वीडियो पे क्लिक करना है। इसके बाद में वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जो आप डालना चाहते हैं। डालने के बाद में डन पे कर दीजिए क्लिक। करने के बाद में यहाँ पे ऊपर कुछ भी उसके बारे में टाइटल जैसे हम लिखते हैं वैसे यहाँ पे भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि प्ले बटन यूट्यूब, जैसे जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए। लिखने के बाद में जो है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद में यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट वगैरह इसमें आप डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आपका ऑप्शन दिया गया है, ऊपर यहाँ पे स्टिकर वगैरह आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद में अगर नहीं डालना चाहते हैं तो वापस आ जाइए, और सिंपली इसको लिखने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके फेसबुक पे क्लिक है। अगर आप इसको यहीं से इंस्टाग्राम में भी डालना चाहते हैं तो इसको चेक कर दीजिए और शेयर पे क्लिक कर दीजिए। तो आप एक ही जगह से बैठे बैठे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों में वीडियो आप जो है डाल सकते हैं। वो तो इस तरह से जो है वीडियो आपका जो यहाँ पे ऐसा जैसे अभी ये पोस्ट मैंने किया था वीडियो, उसी जैसे वैसे ही पोस्ट आपका दूसरा वीडियो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो जो है ये शेयर हो चुका है और यहाँ पे हमारा वीडियो आ चुका है। और व्यू इनसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी उस वीडियो से रिलेटेड इनसाइट होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कितने लोगों ने उस पर रिएक्शन किया, ओवरव्यू वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको देखेंगे नीचे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जहाँ पे फेसबुक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आपके पोस्ट पे जो भी रिएक्शन होगा वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और मैसेजेस का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जहाँ पे आपके मैसेज जिसने आपको किए वो आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले जो है नोटिफिकेशन के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो होम का ऑप्शन है, होम के बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, और उसके बाद में यहाँ पे मैसेज वाले ऑप्शन है, जहाँ पे आपके पेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपके, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है आपका जो है स्टैटिस्टिक का, जो हम बोल रहे थे कि स्टेटस पे आप जाएंगे तो ये उसका ऑप्शन है। यहाँ पे जितने भी आपके पोस्ट हैं वो आपको दिखेंगे, और इसके अलावा उनके ऊपर में जो भी यहाँ पे कितने लोगों ने देखा, कितनी एज के लोगों ने देखा, ये सारा कुछ कहाँ से देखा, कौन सी कंट्री से, कौन से लैंग्वेज से, कौन सी सिटी से, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे।
ये सारा कुछ आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पे कितने पोस्ट टीच हुए हैं, कितने पेज लाइक हुए हैं, पेज व्यू कितने हुए हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं, ये सारा कुछ अगले 7 दिन के अंदर में, पिछले 7 दिन में जो है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। अगर आप इसको चेंज करके 28 डे में देखना चाहते हैं तो 28 डे भी चेंज करके आप उसको देख सकते हैं कि किसने क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर की हुई है। तो दोस्तों इस तरह से इस ऐप को यूज़ करिए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बनी रही टेक बेला में, स्टे रॉक।